नमस्कार दोस्तों, मैं काला नैन आप सभी का स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे सभी भाइयों का स्वागत है। तो देखिए आज काफ़ी शानदार देख पाओगे जो हरियाणा नस्ल की गोधन बछड़ी आप देख पाओगे। देखिए काफ़ी सुंदर और बिल्कुल प्योर वाइट आप देख पाओगे। देखिए बिल्कुल जो मुर्रा की तरह जब जो एक गोवंश पे भी काफ़ी अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो आप देख पाओगे समय समय पे काफ़ी अच्छा गोधन। और बात करें मुर्रा के साथ, आज गोवंश किसी भी तरीके से कम नहीं रही, जो हरियाणा ब्रीड हमारी किसी भी तरीके से कम नहीं रही है। तो आप देख पाओगे देखिए काफ़ी शान और ठंडे स्वभाव की बछड़ी। तो एक एक डिटेल वो भाई से लेंगे कितनी एज है मदर फादर के रिकॉर्ड के बारे में। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई। भाई जी सबसे पहले अपना नाम और एड्रेस कन्फर्म कराओ एक बार। भाई साहब मेरा नाम रविंदर है, गांव सुरौला तहसील कुलाना जिला हिसार। रविंदर भाई। हाँ। तो रविंदर भाई साहब अपना गांव सुरौला। हाँ भाई, सुरौला से वीडियो शूट कर रहे हैं बिंदर भाई के घर से। तो भाई पहले पहलवानी भी करते थे, तो अभी पशुपालन में शौक काफी अच्छा है भाई का। तो ये बछड़ी भाई साहब लगभग कितनी उम्र होगी इसकी? भाई साहब 2 साल की है। पूरे 2 साल कंप्लीट हो गया भाई साहब। तो अपने घर की थी या खरीदी हुई थी भाई जी? ना भाई, खरीद के ले आए थे। खरीद कर लेके आए थे। तो इसकी मदर का क्या रिकॉर्ड रहा भाई साहब? भाई वो 14 कुछ में उस भाई ने मेरा सारा उसका कितना मैं वही थी। कितना रिकॉर्ड रहा था भाई साहब? इसकी माँ का 15 का रिकॉर्ड है जी, 2 बार उसमें लग गए निवास में 15 किलो में। हाँ। तो अपने ही गाँव में लगी थी भाई साहब? नहीं, जहाँ से लेके आए उसके हम तो साथ लेके आए थे दोनों, पीछे से जहाँ से आप लेके आए थे तो जान पहचान के दे रहे। ठीक है भाई साहब। हाँ। तो इसका फादर टिक्का की है या? टिक्का की है। हाँ। यानी सीमन की है। तो देखिए भाई लेके आए थे। हाँ। तो आज भाई सेल करने का क्या विचार रहा है, या सेल कर दिया भाई साहब? सेल कर दिया बिंदर। हाँ। बिंदर भाई था। हाँ भाई। तो देखिए भाई ने जिसने लिया, तो बिंदर भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। तो पहले भी अपने पास गाय है या अभी नहीं है कोई? यही लही है बस ना, पहला लही थी भाई, वो सेल कर दी। तो देखिए गोवंश का काफी ज्यादा जो रुझान। तो विंदर भाई साहब अपना और गांव बताओ एक बार। मेरा गांव कंदड़िया है, टवाना, जिला फतेहाबाद। तो अपने नजदीकी गांव है जी कन्नडी। तो जो टवाना से ईसा रोड पे पहला गाँव है, और सुरौला से भाई ने बछड़ी लिया। तो देखिए काफी अच्छी बछड़ी है। तो अभी बछड़ी को घर पे रखने के लिए ले आया सेल के लिए भाई? ना, घर है रखा है भाई। घर पे रखोगे? हाँ। तो आगे तैयार करके कंपटीशन? हाँ। की तैयारी है भाई। तो देखिए कंपटीशन की भाई की तैयारी है। तो साथ ही साथ में जो भी वीडियो में इसे भाई लेके जाएंगे, आज जो रस्सा नहीं छुड़वाने की रस्म है भाई से वो पूरी करवाएंगे। तो भाई साहब भाई थी रस्सा इसका जो देखिए बिल्कुल एक देख सकते हो, काफी भाई से जानकारी भी लेंगे अगर किस दाम में सेल हुई है। तो देखिए बिल्कुल भाई को वादा दे लेना मिला भाई ने, ये देखिए। तो बिंदर भाई साहब कुछ बताना चाहोगे कितने में लिया आपने या नहीं? 51,000 रुपये के लिए भी हो। 51,000 रुपये के लिए? तो ग्याबिन है या नहीं है भाई साहब? रविंदर भाई जी ग्याबिन नहीं है भाई, ग्याबिन नहीं है अभी तक। तो देखिए ग्याबिन बछड़ी नहीं है। तो भाई ने गर्भ पे और कंपटीशन के लिए देखिए कटड़ी की देखते थे कि 60,000 रुपये की, 70,000 रुपये की, लाख की कटड़िया सेल होती थी। तो आज देखिए कैसा समय आया है, बिल्कुल गाय का जो काफ़ी अच्छा जो रुझान होने लगे आप देख सकते हो। देखिए एक से एक शानदार गाय निकल के आ रही है, और बहुत से भाई खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, क्योंकि अपने अपने घर पे A to Z जो मिलक इसका बोलिए, और बहुत सी बीमारी है जो उनका भी इससे जो ख़त्म करने की शक्ति इस गाय के दूध में, और इस गाय पे हाथ फेरने से भी देखिए काफ़ी ठंडे सांस स्वभाव की बछड़ी है। जो भाई मौके पे खड़े हैं वो भी आप देख सकते हो, और बछड़ी है जो बिल्कुल आराम से खड़ी है। तो क्या कहना चाहोगे भाई साहब, और जो पशुपालक भाई है भैंसों की तरफ ज़्यादा ध्यान है, उन भाइयों को क्या सलाह देना चाहोगे? भाई आजकल गाय की बहुत मार्केट हो रही है। हाँ जी, ज़्यादा ज़्यादा पालनी चाहिए, एक गाय सारे घर हमें एक जरूर रखनी चाहिए गाय। यानी अगर हर घर में एक गाय हो जाए तो भाई साहब सड़क पे जो गाय है वो मिलना बहुत कम हो जाएगी, नहीं मिलेगी। हाँ हाँ। तो हमारे साथ जो ये भी भाई कबड्डी के पहलवान रहे हैं, तो भाई साहब आगे आ जाओ अभी। तो भाई साहब राम राम। भाई राम राम। आपका चैनल देखना ना और सर ने बहुत धन्यवाद, और भाई का पूरा पूरा सहयोग करे भाई, चैनल ने शेयर भी करो और वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करो भाई। तो कन्नड़ी से भाई यही है। तो कबड्डी के साथ साथ देखिए आपको भी भाई साहब पशुपालन का शौक लग गया क्या? हाँ भाई, देखो
गाय भाई बहुत शरीफ है, हाँ जी, बहुत शांत स्वभाव की है, हाँ जी भाई, बाकी नटखट हो करा इतनी बच्ची कह दे, लेकिन इतनी शराफत मैंने तकरीबन नहीं देखी, जरा भी बच्ची देखा, हाँ बहुत बढ़िया भाई, भाई साहब देखो बताया के बात है, भैंस में भी एक दो भैंस इसी मिल जाए, हाँ की बहुत अड़वैद करे, देखो ये है अपना बड़ कब्र की कह दे करा पे भाई, जिस तरह पे पाला पोसेंगे नहीं वो इसे जावेगी, भाई साहब देखो या तो एक भ्रांति फैलाई थी कुछ लोगों ने भाई देसी गाय लात मारे या ऐसी कोई अद्धी सा सभा में रखा है नहीं, मालिक का बहुत प्रति प्रेम करा है, हाँ। अगर आप चाहो ना, हाँ जी भाई, देसी गाय को तो आप कड़िया भी ले जा सको, मेरी गाय सारा दिन मेरा गला गला रहा है, बिल्कुल भाई साहब, यानी देखो इनके साथ अगर प्रेम से रहो, भाई साहब से रहोगे नहीं, मैं इस तक मजा दूंगी दूध में, बहुत बिल्कुल भाई, देखो घर कितनी गाय रख लो इनका खर्चा को नहीं, मैं ऐसा आधा खर्चा में रहा भाई, और दूध 12-13 किलो तो आम काट देसी का, भाई साहब देखो दूध के साथ में बात करा तो इनका 12 किलो दूध और भैंस का 20 किलो दूध, भाई साहब इसका तो अमृत है, अगर समझने वाला के लिए अपने बच्चे पढ़ने है नी तो अमृत दूध पिलाओ, बिल्कुल समझो जा रहे है, ठीक है भाई साहब, तो देखो देसी गाय का दूध है नहीं जो ये और गाय रही अमरीकन पे, इनका कोई दूध नहीं है, हाँ जी भाई, देसी गाय का दूध एक का भी नहीं है, ठीक है भाई साहब, तो देखो हाँ। भाई ने काफी अच्छी जानकारी दी है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी भाई देखे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घर पे कम से कम एक गोधन है वो जरूर रखे, देखिए काफी अच्छी गोवंश जो आज सूर्यवाड़ा से बिकर कनडी गांव में जाएगी, तो देखिए आगे भाई के जाके बछड़ी काफ़ी परमात्मा इसकी लंबी उम्र करे, और बछड़ी आप देख सकते हो शरीर से काफ़ी अच्छी तैयार है, बछड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, धन्यवाद दोस्तों।